यहाँ से तो अपने आप हो जाते हैं। थ्री बिंदी पे लाइए, थ्री डॉट दिखा नीचे, नीचे थ्री डॉट, हाँ क्लिक करिए। इस सबसे लास्ट वाला हटा दीजिए, इनेबल वेटिंग, बस अपने आप एडमिट हो जाएंगे। नहीं नहीं पड़ेगा, जो आएगा नहीं पता जाएगा। हमने कभी नहीं किया। हाँ लेकिन अभी नहीं, सब हो गए ना, वो भी हो गया, सब हो जाए। देखा कुछ सीखा, देख के सिखा भी दिया। क्लास थर्ड कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक हुआ था कुछ पता है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने यूनिट मैथ्स, थर्सडे मैथ्स होता है, और यूनिट टू में आपका चैप्टर 6-7 हो चुका था, चैप्टर 8 हो चुका था, चैप्टर 9 पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। चैप्टर 9 जो आपका है बहुत ही कॉमन सा चैप्टर है, टाइम के बारे में है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझ लो देखो वॉच वगैरह बनी हुई है, क्या टाइमिंग होती है, कैसे है ना, बस वही आपको बताना है। बुक्स है सबके पास? यस सर। तो बुक से बता दूं या डायग्राम बनाऊं? हां सर, बुक से। 9 है एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 देखिए। यस सर। एक एक डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, चलो एक बना ही देता हूं। सर बुक दीजिए। चलो जिसके पास बुक नहीं है एक डायग्राम बना देते हैं, उसको समझ लें। देखो एक ये सर्कल बनी बना है, वॉच का है, क्लॉक का है, ठीक है। मैं ट्वेल्व यहाँ लिख देंगे हम, और यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे, उसके बाद 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। छोटी सुई ये रफ सा क्लॉक बना दिया है, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ देखिए रफ सा बना दिया है, आप लोग अच्छे से बनाना सर्कल करके। देखिए बुक में सारा क्लॉक पे ही है, क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द टाइम ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट इन द बॉक्स। अच्छा ये इतने लोग हैं, अंशुमान, ऋषि, नंदिनी, रिया, शिवांश वर्मा एंड साबिया हुसैन, इसमें से कौन बच्चा ऐसा है जिसको टाइम देखना नहीं आता घड़ी में? कोई ऐसा है या सबको आता है? सर सर मेरे को आता है, मेरे को भी आता है सर। अंशुमान आपको आता है? अंशुमान आता है? नो सर। अंशुमान आपको नहीं आता है, ठीक है, जिनका नहीं आता उनका नाम आप लिखते हैं, ठीक है, सभी का लिख लेते हैं। अंशुमान इनको नहीं आता, कोई बात नहीं। ऋषिराज आपको? ऋषिराज सर आता है। ऋषिराज आता है, ठीक है, वेरी गुड। अब वो शिवांश वर्मा सर नहीं आता, शिवांश वर्मा को भी नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं। नंदिनी आप बताइए।
नंदिनी, नंदिनी आपको आता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपको आता है टाइम देखना? गुड मॉर्निंग सर। नंदिनी टाइम देखना आता है आपको? यस सर। ओके, नंदिनी को भी आता है। अब कौन बचता है? साबिया सर। साबिया यस टाइम देखना आता है बेटा? आता है टाइम देखना? आपको तो आता होगा। यस सर। नहीं आता सर, आता है। ठीक है, वेरी गुड। अंशुमान, अच्छा रिया कुमारी, रिया आपको? रिया कुमारी एंड ईशा कुमारी, आप लोग को आता है? रिया एंड ईशा, चलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम देखना है तो सबसे पहले देखिए इसमें हमने आपके दो नीडल्स दिख रहा है, दिख रहा है इस घड़ी में, ये जो क्लॉक्स बनी हुई है इसमें टू नीडल्स नीडल्स है, वन एंड सेकेंड, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ बोलते रहिएगा। यस सर। अच्छा ये बताइए, ये दोनों नीडल सेम है या कुछ दोनों में डिफरेंस है? अंशुमान यस सर, शिवांश स्पेशली समझिए, इन दोनों नीडल्स में नीडल सेम है या कुछ डिफरेंस है दोनों में, ये बताइए। सर डिफरेंस है। हाँ क्या डिफरेंस आपको दिखा? क्या डिफरेंस है बताइए, क्या आपने उसमें देखा? इस घड़ी में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों नीडल्स में, बिटवीन टू नीडल्स जो आपने नीडल दिया हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस है कोई बताएगा? साबिया आप बताओ। हाँ और जी बिल्कुल बोलिए। छोटी और बड़ी है, वेरी गुड। हाँ एक जो है फर्स्ट नीडल आपका जो है वो छोटा है और सेकंड वाला आपका बड़ा है ना, तो अब सेकंड फर्स्ट जो नूडल आपका छोटा वाला है वो देखिए किधर जा रहा है, वो करीब करीब टू, करीब करीब टू पे ही पहुंच रहा है, टू पे पहुंचने मतलब पूरा एग्जैक्ट टू पे नहीं है पर टू पे पहुंच रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट टू पे क्यों नहीं है, एग्जैक्ट टू पे तब हो जाता है जब ये वाला नूडल्स आपका 12 पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा वाला नूडल्स आपका कितने पर है? 8 पर है। हाँ अभी पूरा 2 नहीं बजा है तो इसको हम 1 में ही लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि पूरा 2 पे नहीं है तो 1। और देखिए 5, 10 इसको इस तरह से काउंट करते हैं, क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ छोटे छोटे से देखिएगा, तो इस तरह इसको इसको जो 1 है इसको हम 5 काउंट करेंगे, 2, 15, 15, 14, 25, 30, 35 एंड 40, 1, 40 ये आपका होगा, यानी कि 1:40। हाँ बताओ आप क्या बोल रहे हो, बोलो कौन बोल रहा है? 1:40 है। हाँ सर टेबल होती है। हाँ मेहर सिंह, मेहर आप भी आ गए, वेरी गुड मेहर सिंह। अच्छा 1:40 या 1:40 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सारी जो आपके बने हुए हैं सबका अपना अपना एक अलग अलग नूडल्स दिखाया हुआ है, तो इस नूडल्स को ही हम इरेज करेंगे तो आपका आ जाएगा। सेकंड देखिए क्या है, अब इस सेकंड वाला जो आपका वॉच बना है उसमें जो आपकी छोटी वाली नूडल्स है वो कहाँ पर जा रही है देखिए, 6 से थोड़ा पहले, ये है ना बड़ी वाली एक पे। हाँ तो सर बड़ी वाली एक पे। अब देखते हैं, दो बच्चों को टाइम देखना नहीं आ रहा था, शिवांश वर्मा और अंशुमान। चलिए अंशुमान, अंशुमान आप बताएंगे। अंशुमान यस सर। चलिए बताइए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप बताओ, मैंने एक बता दिया है आपको।
शिवांश आप, हाँ शिवांश आप भी बता सकते हो। और छोटी वाली सुई छह से पहले है, बड़ी वाली सुई एक पे है, तो फिर जान नीचे लिखेंगे सिक्स, फिर सर हम बताएं। हाँ बताइए सर। सर इसका टाइम 5:40 होगा। वेरी गुड 5:40, क्योंकि छोटी नूडल्स जो आती है वो जेड सिक्स पर नहीं है, इसलिए हम लोग उसको सिक्स नहीं बोलेंगे, ये फाइव में आ जाएगा। अगर जेड सिक्स पर होती तो हम सिक्स लेते, क्योंकि सिक्स पर नहीं है तो इसको हम फाइव में ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे फाइव, ठीक है, उसके बाद डबल डॉट, और बड़ा वाला जो नूडल्स आपका है वो एट पर है, एट को हमने बताया ना, इसको हम लोग फाइव मैं सुन रहा हूँ, बता दूं दूसरों को भी, 40 तो हो गया ये, इसको 5 में काउंट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, है ना, 45, 50, 55, 60, 60, 60 मिनट का एक मिनट, है ना, आपको पता है, 60, है ना, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक, तो अब आपका एक मिनट कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसमें सिर्फ आपको ये टाइम ही देखना है, टाइम लिखना है, और अब आप लोग बुक में देख लो अपने, मैं बुक में बता दे रहा हूँ, ठीक है सर, मैं बुक में देख रहा हूँ। हाँ बाकी लोग भी बुक में देखो, बुक में फिल कर लो इसको। देखिए सेकंड थर्ड वाला क्या है, सी वाला, आपकी जो छोटी वाली जो नीडल्स है जो रेड रेड बनी हुई है ना, उसको हम लोग पहले उस पर ध्यान देते हैं। वो देखिए एग्जैक्ट एट पर नहीं है, एट से थोड़ा सा पहले है ना, तो इसको हम लोग सेवन मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेवन लिखेंगे, डॉट, दो डॉट लगेगा डबल, उसके बाद फिर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फिर सी वाला जो होगा वो आपका होगा 755, ठीक है, ठीक। तो इसको फाइव में काउंटिंग करा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पांच पांच मिनट का एक होता है, सेकंड एक एक मिनट जो दिखाया जा रहा है उसमें। डी वाला देखिए, ये जो है आपकी रेड वाले छोटे नीडल्स जो है वो 12 से थोड़ा सा आगे आगे जा रही है ना, हाँ थोड़ा सा, तो इसको हम लोग 12 मानेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 12, और जो ब्लैक वाली बड़ी निडल है उसको काउंट करिए कितने पे दिखा रहा है, वो आपका जा रहा है 7, एग्जैक्ट एट पे नहीं है, एग्जैक्ट एट पे नहीं है, तो वो जा रहा है आपका मान लीजिए 7 पे, तो इसको हम लोग लिख देंगे 12, उसके बाद 07, इस तरह से लिखेंगे 12507, ये आपका होगा, देख लीजिए इस तरीके से, ठीक। यस सर लिख दिए, यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, मतलब ई देखिए, लाल रेड वाला जो छोटा नूडल्स है वो 3 और 4 के बीच में बिटवीन है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग 4 नहीं मानेंगे, इसको हम लोग 3 ही लिखेंगे, ठीक है, 3 लिख देंगे, डॉट लगाएंगे। उसके बाद देखिए बड़ा वाला जो ब्लैक नूडल्स है वो कितने पे जा रहा है, वो 7 और 8 के बीच में है ना, काउंट करके देखिए कितने पे जा रहा है, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10,
37 3:37 यानी कि 3:37 को इस तरह लिखेंगे ना, 3:37 ठीक है, फिर कर लो नेक्स्ट। एफ देखिए, इसमें देखिए एट जो रेड वाला छोटा नूडल्स है वो आपका एट को थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है ना, तो इसको हम लोग एट लिखेंगे यहाँ पे, डॉट लगाया। ब्लैक्स वाला जो ब्लैक और बड़ा नूडल है आपका, उसको देखेंगे हम लोग,
टू से आगे जा रहा है वो, ट्वेल्व पे जा रहा है, तो एट ट्वेल्व आपका हो जाएगा, एट हाँ 8:12, 8:12, ठीक है, हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो अब आ रहा आपका एक्सरसाइज 9.2, वो भी देख लो सेम इसी तरीके से है, ठीक है, उसमें भी डिटेल्स भरना है, बनना है, हम बता दे रहे उसको फिल करिएगा आप लोग। आपका देखिए लिखा है फिल इन द बॉक्सेस आफ्टर रीडिंग द टाइमिंग, ठीक है, इसी तरीके से क्लॉक्स बनी हुई है आपकी, ठीक है, और उसमें आपको फिल करना है, इसमें मिनट और पास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मिनट एंड पास्ट लिखा हुआ है, तो अब कितना मिनट है और कितना पास्ट है वो हमको लिखना है इसमें। तो जो मिनट कितना हो रहा है, देखो मिनट्स के लिए हमेशा ब्लैक वाली बड़ी नीडल्स देखते हैं, ठीक है, जो नीडल्स बड़ी होती हैं उनको हम मिनट्स के लिए देखते हैं, ठीक है ना, और जो वो वाली है आपकी वो आवर्स में जाती है, समझ लीजिए फास्ट में जा रही है छोटी वाली, तो मिनट्स में कौन सी आ रही है नीडल्स, कौन बताएगा मिनट्स में क्या लिखेंगे, नंदिनी? हाँ सर। बताइए क्या फिल करेंगे? ए वाले में सर। हाँ ए वाले में फाइव मिनट पास ना। बुक्स है ना आपके पास? हाँ सर। वेरी गुड, चलिए, हाँ सही बताया आपने, 5:09 यानी के 9:05 हो गए आपके, ठीक है ना, 9 से 5 मिनट आपका जो है वो आगे बढ़ गया है। फिर उस पर हम सेकंड वाला देखेंगे, बी वाला, बी वाले में ऋषिराज, ऋषिराज बताएं बी वाला क्या फील करेंगे, ऋषिराज वाला, हाँ बी वाले में क्या फील करिएगा, कौन बोला? देखिए जिसने भी बोला 25:01 वो सही आंसर आपका है, क्यों, क्योंकि अभी इसमें देखिए इसने ये बोल रहा है कि 20, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट नहीं बोल रहा है, कितना हो गया कितना गुजर गया उससे मतलब नहीं है, अब कह रहा है कि मैंने बोला है। हाँ टू मिनट्स पास्ट अगर होता तो हम 12:35 लिखते, 12:35 लिखते, कब, जब मिनट पास्ट होता, मिनट्स टू है तो तुम्हारे आंसर ऋषिराज बिल्कुल ठीक है, 25:01 यानी कि 1:25 अभी बाकी है, ठीक है, वेरी गुड। जिसने भी जो आंसर बताया दो बच्चों ने, दोनों का आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आइए इस पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सी, कौन बताएगा, हाँ शाबाश, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि सबको टाइम देखना आ जाए, ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादा टाइम दे दे रहा हूँ, इसमें आगे सोचा था और आगे बढ़ पड़ जाऊंगा, पर हमने सोचा सबको टाइम के बारे में पता होना चाहिए, सबको घड़ी देख लेना चाहिए, है ना, सबको आता है और दो बच्चों को था वो भी सीख लेंगे। कौन बताएगा, ईशा, मेर, ये ना हो गया 33, एक डंडी आगे हो जाएगा। हाँ देखिए, हाँ रेड, देखिए बता दो, रेड जो छोटी वाली आपको नीडल्स है वो 11 से थोड़ा सा क्रॉस कर रही, थोड़ा आगे जा रही है, और जो ब्लैक आपकी बड़ा नीडल्स है वो 5 पर है। चलिए जिनके पास बुक्स नहीं है तो मैंने बता दिया, छोटा नीडल्स 11 से थोड़ा क्रॉस कर रहा है और बड़ा नीडल्स जो है वो आपका 5 पर है। चलिए बताइए,
कितने मिनट और कितना पास्ट होगा? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम रहता है ऐसे बेटा, आगे बढ़े। कौन बताएगा? सर मैंने सारे फिल कर लिए। बताइए। फिर से बोलिए। नंदनी फिर से बोलो। नंदनी सिक्स पास सेवन। नो नेक्स्ट कौन बताएगा? आकाश निषाद आप बताओगे? सर आप बताओगे? हाँ या शिवांश आप बताओगे? अंशुमान, साबिया, कोई भी बताओ। बहुत इजी है। बस सी वाला पूछ रहा हूँ। हाँ जैसे पहले वाला था उसी तरह ये भी है। सर सर आपकी फोटो नहीं दी है। सर वीडियो नहीं आ रही है। देखो सब पढ़ रहे हैं, यहाँ से टाइम पास कर रही है। मेरा आंसर होगा। वही बता रही हूँ। सर आपकी पिक्चर भी नहीं आई ना आवाज अभी। सर आपकी वीडियो और आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वीडियो आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर 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 आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर ये तो सर 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 अभी आ तो सब सर। अरे सर सुनो।
अरे सर सुनिए तो सर, आपकी आवाज और वीडियो नहीं आ रही है। हम लोग की आवाज उनकी तरफ जा ही नहीं रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे वो बगल की तरफ, अरे बगल की तरफ उनकी वीडियो आएगी नंबर नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोले पड़े हैं आवाज ही नहीं आ रही। सबसे सस्ता चिल्ला के म्यूजिक ऑन कर दो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर उधर कुछ सही नहीं है क्या? आज आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वंशिंग बोल रहा है। सॉरी सर। हेलो 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 बोलता हूँ कुछ जल्दी नहीं तो है। सर, हाँ।